गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेशियो पर आधारित पार्टनरशिप के जो सवाल है उसको हम लोग आज देखेंगे। अलग से इसमें कुछ बताएंगे नहीं, वही पूछेंगे आपसे जो पहले बताए। बोलिए तो, पूंजी को समय से गुना करने पर क्या मिलता है? लाभ मिलता है। और इसमें और कुछ बात बताए थे कि यहाँ जो वैल्यू है वो या तो रहने का है या तो रखने का है। रहने का मतलब कितने टाइम तक आप इस व्यापार में रहे वो है, और रखने का मतलब है कि कितनी पूंजी कितने समय के लिए आप इस व्यापार में रखे, कब आए कब गए इससे कोई लेना देना नहीं है, कब पैसा आप निकाल लिए कब डबल कर दिए इससे भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी पूंजी था वो कितने समय के लिए इस व्यापार में रहा, सिर्फ इससे मतलब है। और ये तीनों के तीनों बात हम लोग पीछे पूरा क्लास में हर चीज पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बात मैं बहुत ज्यादा बार रिपीट किया हूँ कि पूंजी को समय से जब हम गुना करते हैं तो क्या मिलता है? लाभ मिलता है। देखिए यहाँ से याद नहीं करना है, यही वाला बात आज अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा क्या दिया है कि तीन व्यक्ति एक व्यापार में जो लाभ कमाए है ना, वो अनुपात है हमारे पास 3:5:6, और इनके व्यापार में रहने का अनुपात यानी टाइम का जो अनुपात है वो 4:5:3 है। तो बताओ किस अनुपात में अपनी पूंजी को लगाए। तो हमें मालूम है कि तीन चीज होता है, तीनों में से कोई ना कोई वो हमेशा पूछत रहेगा। आज क्या किया है कि उसने लाभ और टाइम को दिया है और पूंजी पूछ लिया है। तो ये बताइए इसको इधर भेजेंगे तो कहां चला जाएगा? बट्टा में। तो इसका मतलब हुआ कि पूंजी बराबर आ जाएगा इस बार लाभ बट्टा में। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है आपको सिर्फ। और इस सवाल को अनगिनत बार पूछा है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कुछ करना नहीं है, जो बेसिक आप जानते हैं बस वही अप्लाई करिएगा कि पूंजी को जब हम समय से गुना करते हैं तो लाभ मिलता है। इस सवाल में क्या दिया है? तो इस सवाल में हमारे पास लाभ दिया गया है और इसमें समय दिया गया है, पूछा गया है पूंजी। तो होता तो ऐसे है, इसको जब हम नीचे भेजेंगे ना तो बन जाएगा लाभ बटा में समय। तो अब आपके पास जो वहां पर दिया गया है उसको रख दीजिए केवल। तो देखिए ये लाभ है, तो लाभ है आपके पास 3:4:6 में, और ये समय है तो समय तो नीचे जा रहा है, तो ये समय है आपके पास 4:5:3। बस हो गया हमारा आंसर, जो बनाना था वो हम बना लिए कि पूंजी बराबर क्या है? लाभ बटा समय, लाभ बटा समय, लाभ बटा समय और लाभ बटा समय। कहाँ पे? चलिए यहाँ पे ना, हाँ 3:5:6, 3:5:6, 4:5:3, 4:5:3। अब हम बेसिक में क्या जानते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़े हैं कि जब रेशियो फ्रैक्शन में जाता है तो नीचे वाला का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो नीचे वाला का हम एलसीएम लेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा अगर हम उससे गुना कर देंगे तो ये रेशियो हो जाएगा सीधा। तो हो गया हमारा पूंजी अब निकलेगा, पूंजी बराबर लाभ बटा समय, जो कि कहीं से आया नहीं है, इसी जगह से निकला। तो अब आते हैं 4, 5 और 3 का जब हम एलसीएम उठाएंगे तो ये सब तो आपको याद हो जाना चाहिए। कितना आएगा? 60 आएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए सब। तो यहाँ भी हमने 60 से गुना किया, तो अब यहाँ पर करेंगे 15 × 4 = 60, यानी 15 × 4 = 15, 15 × 3 = 45। इसको 12×5=60, तो 12 गुना में रख गया ना, तो 12×5=60, या 5 × 5 तो ऐसे खत्म हो जाता, तो 12×5=60, और ये 3 से 1 2 बार में कटता तो ये 60 गुना कितना आ गया? 120। कटने लायक है तो उसको काट देना, तो कटने लायक है हमारे पास 15 से सब दिख रहा था, तो 15 से दिख रहा था, तो 15 × 3 = 45, और 15 × 4 = 60, और 15×8 = 120, 3:4:8 ऑप्शन बी। तो इसमें हम कुछ भी फालतू का काम नहीं किए हैं, ना तो आपको रटने के लिए बोले हैं और ना ही कुछ। और मैं आपको जब भी पूरा क्लास स्टार्ट किया था शुरुआत में तो बोला था कि लाभ और पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ मिलेगा, और यहाँ जो वैल्यू है या तो रहने का है या तो रखने का है, और इसी पर पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे, चाहे वो मेंस लेवल का ही सवाल क्यों ना हो। तो आज इसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ा यहाँ पर। अब इसमें कुछ खास नहीं है, अगर मुझे एग्जाम में बनाना होता तो हम ऐसे बनाते कि ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, और जैसे ही नीचे जाएगा इनका एलसीएम उठाएंगे तो 60 आ जाएगा। काटने में किसी को परेशानी नहीं ना है, किसी को ऐसा ना दिखे कि दिखिए नहीं रहा। 60 गुने वहां 3/4 है, 60 गुने वहां 5/5 है,
और 60 गुने वहां, 60 गुने वहां 6/3 है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे आपको, ताकि उसी में 15 से ऊपर 60 होता है और ये 120 होता है। अब ये तो आपको दिखा दिए कि 45, 60 और 120 था, जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, 4 बार में और ये 8 बार में आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये रहा मेंस लेवल का सवाल। अब इसमें दो तरीके का सॉल्यूशन होगा, दोनों सॉल्यूशन से आंसर आएगा, एक से जल्दी आएगा, दूसरे से थोड़ा लेट से आएगा। कहता है कि ए बी सी इस रेशियो में अपनी पूंजी लगा करके व्यापार को स्टार्ट करते हैं, एक साल बाद सी इतना और निवेश कर देता है और ए इतना रुपए निकाल देता है, अब जो बचा जो निवेश किया गया उनका रेशियो ये बना, तो बताओ शुरुआत में ए ने कितना धन लगाया। तो आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जब भी सॉल्यूशन किया जाता है दो रेशियो से सॉल्यूशन होता है। अब वो रेशियो 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, सॉल्यूशन जब भी करेंगे दो रेशियो के ही द्वारा सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आपके पास एक बात और बताया था मैंने कि जब भी रेशियो का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे कि अगर रेशियो दे करके उन्हीं का वैल्यू पूछने लगे तो पहले उनको एक्स मान लीजिएगा। तो देखिएगा ए क्या किया है, ए 3x में पैसा लगाया है अभी, लेकिन आने वाला समय में मतलब एक साल बाद इतना निकाल लिया, तो जो भी पैसा लगाया था उसमें से 45,600 रुपया निकाल लिया। बी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने 5x में ही पैसा लगाया और वो कुछ भी पैसे के साथ नहीं किया, लेकिन सी क्या किया कि जो भी पैसा लगाया था उसमें इतना और लगा दिया, उसमें निवेशित कर दिया, निवेश कर दिया। 7x में पहले पैसा लगाया था लेकिन वह 3,37,600 रुपया और डाल दिया, 3,37,600 और डाल दिया। और जब ऐसा हो गया तब इनका रेशियो बना, इसका रेशियो बना 24, एग्जाम में ही मत लिखिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसका रेशियो बना आपके पास 59 और ये वाला रेशियो बना आपके पास 167। ये समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा कुछ काम आपको नहीं करना है। अब आपको मैंने कहा कि जब भी सॉल्यूशन करिएगा ये वाला आप कभी भी एग्जाम में मत लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपको जो भी सॉल्यूशन करना है किसी भी दो डेटा को उठाना होगा जिसमें ए शामिल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपसे ए पूछा जा रहा है। नहीं भी रखना चाहते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है, जब भी यूज करना है दो का करना है। अगर मैंने इन दोनों को उठाया तो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को उठाया तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, इन दोनों को उठाया तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ उठाया जाए जो आराम से कट जाए और सॉल्यूशन हो जाए। तो देखिएगा ये जो है हमारे पास, अब स्टार्ट करते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है हमारे पास। अब क्या है यहाँ पर, तो हम ए ने लगाया है 3x अभी, लेकिन एक साल बाद 45,600 निकाल लेगा, 45,600 निकाल लेगा। बी क्या किया है कि 5x में ही लगाया है और ये निकाल उकाल नहीं किया है, तो जब ये निकाल लिया तब इसका रेशियो बना 24 और इसके साथ कोई छेड़छाड़ ये नहीं किया है इसलिए इसका रेशियो है 159 यानी 59। अब हमें सिर्फ इनका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन करने में क्या करना पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा को आपको लेना पड़ेगा। तो आइए 59 से अगर आप इसको गुना करेंगे तो 9, 3, 9, 27, 3, 5, 15 और 2, 17, ठीक। अब नहीं करेंगे तो 59 × 45,600 बराबर में ये वाला, तो 24 बचे होता है 120x। क्यों गुना नहीं किया, क्योंकि इसमें x नहीं लगल है और हमको मालूम है कि फिर इसको काटना ही है हमको, इसलिए गुना करके टाइम को हम यहाँ पे बर्बाद नहीं किए। अब आपको पता है कि प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा और ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 177 में से 120 जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 57। तो ये रहा 57x बराबर, ये उधर जा चुका है, तो ये है 59 × 45,600। अब अगर डबल जीरो को भूल जाए तो ये 456 है केवल। अब 50 के पहाड़ा अगर हम पढ़े तो 59 मतलब 5 × 9=45, 450, तो ये भी तो वही जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि 450 में सिर्फ 6 जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट उठाएंगे कि क्या 7 के पहाड़ा में
छ आएगा कहीं, कहाँ आएगा? आठ में सतो अठे छप्पन, तो देख लेते हैं, आठ सते छप्पन के छ, आठ पचे चालीस और पांच पैतालीस, तो काम बन गया। तो ये रहा आठ बार में केवल कटा, और आठ बार में कटा तो दो जीरो था इसके पास, तो x का जो मान आएगा वो डबल जीरो तो रहे करेगा, आठ नवा बहत्तर और आठ बचे चालीस, चालीस और सात सैतालीस, सैतालीस हजार दो सौ, ये किसका है? सिर्फ x का मान। और आपसे पूछा गया है a के बारे में, और a ने शुरुआती दौर में लगा दिया है 3x में पैसा, a जो है वह शुरुआती दौर में कितना में लगाया है? 3x में पैसा लगाया है, तो x का मान ये है, तो 3x का मान इसका जस्ट तीन गुना होगा, तो लिख लीजिए 47,200 गुने तीन, एक डबल जीरो तो रहबे करेगा, तीन गुना के छ रहेगा, तीन सत्ते इक्कीस और एक बाईस रहेगा, और तीन चौका बारह और दो चौदह रहेगा, तो आ गया हमारे पास सर नहीं डबल जीरो यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ तीन दूनी छ, हाँ ठीक है डबल जीरो, तीन दूनी छ, तीन सत्ते इक्कीस और तीन चौका बारह दू चौदह, एक सौ इकतालीस छ, एक सौ इकतालीस छ सौ। टाइम लगेगा, अब आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना स्पीड करते हैं, मतलब टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड में ये सवाल निकाल लेंगे आप, क्यों? क्योंकि देखिए एग्जामिनर कितना तेज है, हम चाहते तो ये बताते आपको कि तीन है, आंसर हमारा तीन के मल्टीपल होगा, तो तीन का मल्टीपल सौ था, आपको पता ही होगा कि अंकों का योग अगर तीन से कटे तो वह संख्या कट जाती है, तो देखिए गाइस छ और पांच ग्यारह और चार पंद्रह तीन से काट सकते हैं, नौ छ पंद्रह तीन से काट सकते हैं, छ एक सात और एक आठ और चार बारह तीन से काट सकते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, अगर एक ऑप्शन उसका इससे रहता तो हम उसकी बात करते, लेकिन सारा ऑप्शन था इसलिए नहीं कुछ कर सके। अब आते हैं, ये 3x में लगाया है, आने वाला समय में इतना पैसा निकाल लेगा, ये 5x में ही लगाया है छोड़ दिया, आने वाला समय में इनका रेशियो ये बना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया आंसर आया, x का मान इतना आया, हमको a का मान बताना है, a है 3x में, गुना कर दिए आंसर आया इतना। अब आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा, देखिएगा समझिएगा क्या बोल रहा है, फिर से यहाँ तीन गो अनुपात है तो हमें घबराना नहीं है, चार गो अनुपात भी होता तो भी घबराते नहीं, क्योंकि दो गो अनुपात ही लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। राजकिशोर 1200 रुपया लगा करके एक दवा दुकान खोलता है, और शंभू तथा उपेंद्र क्रमशः तीन माह और छह माह बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गए, कितना रुपए लगाए नहीं पता, यदि वर्ष के अंत में वे लोग का लाभ का अनुपात दो तीन पांच के अनुपात में बांटते हैं तो शंभु कितने रुपए लगा करके व्यापार में शामिल हुआ था। पहली बात कि ये लोग व्यापार होने के कुछ महीना बाद आ रहे हैं, तो हमको ये मालूम ही है कि या तो यहाँ वैल्यू रहने का है या तो रखने का है, आप कितना महीना बाद आ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कितने महीने तक रुक रहे हैं इससे मतलब है, और दो ही रेशियो लेकर के हम चलेंगे। तो चलिए राजकिशोर 1200 लगाया है और ये पूरे वर्ष तक रहा है, तो एक साल लिखे कि 12 महीना लिखे, 12 महीना लिखेंगे क्योंकि आगे महीना का जिक्र था। तो ये जो है राजकिशोर 1200 रुपया लगाया है पूरे 12 महीना के लिए, और इसका लाभ का जो अनुपात है वो है दो। अब इसके साथ एक और आया, पूछा गया है शंभु का, तब शंभु की ही बात कर लेते हैं, तो शंभु ध्यान रखिएगा, शंभु तीन महीना बाद आया है और उपेंद्र छह महीना बाद आया है, और आपसे पूछा जा रहा है शंभु के बारे में, तो हम शंभु के डेटा उठाएंगे, और शंभु आपका यहाँ देखिएगा वो तीन महीना के बाद आया है, तो यहाँ देखते हैं शंभु के बारे में। अब बताइए बिजनेस पूरा 12 महीना चला है, तो 12 महीना जब वो चला है तो तीन महीना बाद आया है, तो रहा कितना महीना होगा? 9 महीना। तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ रुपया लगाया होगा, और कुछ रुपया लगा करके पूरे 9 महीना रहा था, और उसका जो लाभ का अनुपात आया वो है अनुपात 3। अब आपको पता है कि पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ मिलता है, यहाँ जो वैल्यू है वो या तो रहने का है या तो रखने का है, तो हम मान लेते हैं कि x रुपया लगाया लेकिन 3 महीना बाद आया तो रहा 9 महीना, और पूंजी को जैसे ही समय से गुना करेंगे वो बन जाएगा लाभ। अब हम यहाँ से काट लेते हैं,
तो तीन बार में ये कटा, तीन से ये चार बार में कटा, और ये दो से दो बार में कटा, और ये 12 × 24 आया। एक्स का मान जो आ रहा है वो 2400 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये आदमी 2400 रुपया लगा करके व्यापार में शामिल हुआ। इस बात की ध्यान से हल्का सा परसेंटेज का जानकारी यहाँ होना जरूरी है, रेशियो और प्रोपोर्शन का जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद पार्टनरशिप यानी तीनों मिला दिया जाए तो इस सवाल को आराम से बनाया जा सकता है। और तीनों का सिर्फ बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक। पी और क्यू दो दोस्त हैं जो 5:6 के अनुपात में राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू कर दिए हैं। 6 माह बाद आर आता है और शामिल हो गया जिसने क्यू के बराबर राशि लगा दिया, ठीक है। वर्ष के अंत में 20% का लाभ जो कि 98,000 के बराबर अर्जित किया गया, आर ने कितनी राशि लगाई? हमें मालूम है कि पूंजी को समय से गुना करते हैं ना, तो हमें मिल जाता है लाभ। अब यहां पर एक वर्ड बोला कि जो 20% लाभ है वो 98,000 के बराबर है, तो 100% का मतलब होता है कुल। तो हम यहां से शुरू करते हैं कि 20% का जो वैल्यू है ना वो 98,000 है। तो 1% का वैल्यू क्या है? 4900। 1% का वैल्यू तो इतना आ गया, तो 100% का वैल्यू क्या? तो 100% मतलब कुल, तो 100% सब लिखना नहीं है एग्जाम में, समझाना के लिए लिख रहा हूँ। 100% का मतलब 00 और लगा दिए, क्योंकि एक में जब 00 लगाए तो इसमें भी 00 लगाएंगे। अब 100% का मतलब ये मालूम हो गया कि टोटल इनके पास इतना लाभ हुआ है, टोटल कुल मिलाकर के। बाकी यहाँ पर बोला जा रहा था कि केवल 20% जो है ना वो 98,000 के बराबर है, तो 1% कितना? 4900 के बराबर है। तो 100% कितना? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 4,90,000 के बराबर है। तो 4,90,000 इनके पास कुल लाभ हुआ। अब आते हैं लाभ कैसे निकाला जाता है। तो लाभ निकाला जाता है जब हम पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो अब आते हैं पी क्यू आर, तीन लोग, और हमें मालूम है हर चीज कि जब पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ मिलता है, और यहाँ जो वैल्यू होता है वो रहने का होता है। तो रहने का मतलब हुआ कि पी और क्यू व्यापार शुरू किए हैं, ये 5 रेशियो में पैसा लगाया है और ये पूरा साल रहा है। पूरा साल का मतलब 12 महीने रह गया। क्यू जो है वो 6 रेशियो में पैसा लगाया है और ये पूरे साल रहा है, साल का मतलब 12 महीना रहा है। लेकिन आर जो है वह क्यू के बराबर ही पैसा लगाया है, यानी अगर ये 6 रुपये लगाया है तो आर भी 6 रुपये लगाएगा, लेकिन ये 6 महीना के बाद आया है। तो 6 महीना के बाद आया है तो इसका मतलब 6 महीना रहा है, क्योंकि बिजनेस यहाँ 12 महीना चला है। तो 12 महीना में 6 महीना बाद आया तो 6 महीना ही रह पाया। अब आपको मालूम हो गया कि पूंजी को समय से गुना करते हैं तो बन जाता है लाभ। तो अब आपको काटना भी उसी में से है जो सब में से कटता। तो 6 से निकालिए 6, 6, 6 × 12, 2 से आप निकाल दीजिए, 2 से 6 बार में और ये 3 बार में कटेगा, तो सब में नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ये केवल 5 रेशियो में लाभ आया, अभी बन गया लाभ। ये 6 रेशियो में लाभ आया और ये 3 रेशियो में लाभ आया। अब देखेंगे कि दिया क्या है। तो हमारे पास कुल लाभ है मालूम, तो हम कुल लाभ यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुल लाभ 6, 5, 11 और 3 14 रेशियो में है। कुल लाभ 14 रेशियो में है और वहां पर 49 पर 4 जीरो में, जिसको 4,90,000 बोलेंगे। तो 7 से तो दिखिए रहा है कि 7 × 14 और 7×7 49 पर 2 × 2 = 4 जीरो। फिर एक यहां से काटेंगे तो 35 पर 1 = 3, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 35,000। तो हमसे पूछा गया है कि आर कितना लगाया था, तो आर जो है ना उतना ही लगाया था जितना क्यू लगाया था, और ये दोनों 6 रेशियो में पैसा लगाए थे। तो आर पर आ जाते हैं, तो 1 रेशियो का वैल्यू 35,000, तो 6 रेशियो का वैल्यू 35 × 6 = 3। अच्छा अच्छा यहाँ लाभ, लाभ चाहिए, लाभ हमको बांटना है। एक अर्जित किया गया आर कितनी राशि निवेश किया था, आर कितना राशि निवेश किया था,
देखिए, अगर पूंजी बोलेगा पूंजी, तो पूंजी 6 रेशियो में लगाया है, आप 6 से ही गुना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूंजी की बात किया जा रहा है। तो पूंजी 6 रेशियो में लगाया है, 6 से ही गुना करके हम आंसर लाएंगे, चाहे जो आंसर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल हल्का सा मिस्टेक है। राशि के जगह पर होना चाहिए कि देखिएगा यहाँ क्या लिख दिया है, अर्जित किया गया आर ने, नहीं अर्जित किया गया छोड़ दीजिए, आर ने कितनी राशि निवेश की थी। तो अगर हम राशि पर आएंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये होगा 1, 2, 3, 6, 35, 36, 38, 18, 3, ये पूंजी लगेगा उसका, जो कि इस सवाल के लिए आंसर होना चाहिए, लेकिन इस सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लिख देते हैं कि उसका लाभ क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे लाभ लिखा तब देखिएगा, हाँ हला नहीं करिए, तो आर जो है यहाँ पर 3 रेशियो में लाभ कमाया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू ध्यान रखिएगा 35,000 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 35,000 है तो 3 रेशियो का वैल्यू 35,000 × 3, तो 105,000 रुपया। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो पूंजी पूछेगा तो 6 रेशियो में लगाया है और 6 रेशियो का आंसर ये है, और अगर लाभ पूछेगा तो लाभ उसका 3 रेशियो में आया और 3 रेशियो का आंसर ये है। तो इस सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए आंसर हमको मारना पड़ेगा 105,000 रुपया, और इस जगह पे लिखना होगा कि आर ने कितना लाभ कमाया, आर कितना लाभ कमाया या आर का कितना लाभ था। तो ध्यान रख लीजिएगा, अंधेरी नहीं मारना है, हमेशा देख करके सुन समझना है। जैसे अभी तुरंत एक मैं रील्स अपलोड किया हूँ जिसमें से काटने वाला रहता है ना कि विभाजित करने का नियम, तो उसमें से लिख दिया है कि विभाजित किससे नहीं होगा, और उसमें से ढेर सारा कमेंट था जिससे विभाजित होगा ना, वो आंसर स्टूडेंट मार रहे थे। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जाता है आपसे, लाभ पूछेगा तो लाभ 3 रेशियो में, 3 से गुना कर लेंगे हम। अगर हमसे पूंजी पूछेगा तो पूंजी हमारा 6 रेशियो में है, ये देखिए 6 रेशियो में हम 6 से गुना करेंगे। फिलहाल ये सवाल हल्का मिसप्रिंट है, तो हम बोलेंगे कि आर कितना लाभ कमाया, तो आर लाभ कमाया है 3 रेशियो में, आंसर आएगा 105,000 रुपया, ये इसका लाभ हुआ। एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए पी और क्यू 5:6 में लगाए, लेकिन आर भी क्यू के बराबर पैसा लगाएगा, यानी 6 के लिए लगाएगा, ये पूरा 12 महीना रहा, ये पूरा 12 महीना रहा, लेकिन 6 महीना बाद आया इसीलिए 6 महीना रहा। पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ मिलता है, तो ये रेशियो है लाभ का। यहाँ बोलता है कि वो 20% जो लाभ है ना वो 98,000 के बराबर है, तो 20% का वैल्यू 98,000, 1% का वैल्यू 4,900, 100% का वैल्यू 4,90,000। अब हमसे यहाँ पर कहा गया कि कुल लाभ इतना और कुल लाभ इतना, एक का वैल्यू 35,000। अगर हमसे लाभ पूछेगा तो आंसर ये होगा क्योंकि 3 रेशियो में लाभ, लेकिन अगर पूंजी पूछेगा तो 6 रेशियो में जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्या किया कि इस राशि को मैंने काट करके लाभ में चेंज कर दिया और आंसर हो जाएगा 105,000, ये इसका लाभ बनेगा राशि नहीं।